हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट माज। तो आज जुमे का दिन है और 13 अक्टूबर की तारीख है। ये 2023 का जो है ना वो साल चल रहा है। तो बात मैं करना चाह रहा हूं, बेसिकली कोई शुगर वाला कोई टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जिस तरह के हालात जो है वो चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं डिस्कस करूंगा बेसिकली कि इसराइल और फलस्तीन का जो है ना वो क्या मसला है, बेसिकली क्या इशू क्या है। मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से TLP ने ऐलान कर दिया कि हम लोग जा रहे हैं, PTA ने ऐलान कर दिया हम लोग जा रहे हैं, या अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया हम लोग उधर जा रहे हैं लड़ने के लिए, या कोई इस तरह के कर दिया, तो भाई ये सारी अभी तक फ़िलहाल अफवाहें हैं। इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। इस वजह से कोई भी बंदा इस तरह के किसी भी पोस्ट को आगे शेयर ना करे कि भाई किसी ने कर दिया। हाँ, आपके पास अगर बिल्कुल एक अथेंटिक न्यूज़ है, अगर अगर अपने किसी उसके हेड से, उनके जो सुपरविजन कर रहे हैं, अगर उनके मुंह से आपने ये चीज़ सुनी है बकायदा खुद से, ये ठीक है, तो आप उस चीज़ को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करें। हाँ, उसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिस तरह के अभी मेरे पास एक दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान मौलाना खादम रिजवी साहब ने जो है वो ऐलान कर दिया हम लोग 15 लाख की फोर्स लेके जा रहे हैं और हम लोग जो है ना वो उधर चले जाएंगे, बस हमें जो है ना यहाँ से 5 लाख रुपये 5 लाख जो लोग हैं वो और चाहिए। तो मैंने कहा किसने कहा, उसने कहा भाई खादम रिजवी साहब ने कहा। मैंने कहा खादम रिजवी साहब ने कहा, कंफर्म बात है? कहते बिल्कुल कंफर्म बात है। अब वो बंदा देख लें कि जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर वो सियासत से ताल्लुक होता उसको पता होता कि खादम साहब जो है वो आज से 2 साल पहले जो है वो फात पा चुके हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन बात यह है कि उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था, ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने स्टेटस देखे लोगों के और उन्होंने कहा यहाँ पे मौलाना साहब ने जो है वो ये बयान जारी कर दिया है, जबकि उनकी तरफ से अभी इनकी पार्टी की तरफ से अभी तक फिलहाल कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ और ना ही कोई अफगानिस्तान की तरफ से कोई प्रॉपरली बयान जारी हुआ है। हाँ, इनफैक्ट यह है कि शुमाली कोरिया ने जो है वो आज बयान दिया है कि भाई हम लोग जो है ना वो फलस्तीन के जो है वो साथ खड़े हैं, पता नहीं किस हद तक साथ खड़े हैं, कोई आइडिया नहीं है। और बाकी बात ये रही कि वो लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि भाई आप लोग जो है ना वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही, क्यों नहीं इसमें कूद रही, या अदर ममालिक के जो है क्यों नहीं आ रही, बीच में सऊदीया क्यों नहीं आ रहा, ईरान क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और भी काफ़ी ममालिक हैं। तो प्यारे भाई, इसमें जो है आप हम लोग जो है ना जो यहाँ के जो मीडियोकर्स हैं या फिर ये कह लें कि जो यहाँ के पब्लिक है उनकी एक लिमिटेड सोच है। उन्होंने देखा है सोशल मीडिया, अभी तक सोशल मीडिया में उन्होंने चीज़ देखी है कि कहाँ तक जो है ना वो आवाम जो है उनको फैला रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप लोग जो है वो इस टाइम अगर जंग करना चाहें तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान या इंडिया से ऊपर जो है वो जंग कोई होगी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में तो सबसे ज़्यादा जो चलाने वाले लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो जो फॉलोइंग्स हैं, वो सारे यहीं के हैं। इसके अलावा बाहर के ममालिक के तो बहुत कम है। सोशल मीडिया जो पोस्टें हैं वो यहाँ की ही बनाई जाती हैं, यहीं पर फैलाई जाती हैं, उसमें रियल भी होती है, उसमें फेक भी होती हैं। फेक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ग्रोथ कर जाती हैं और उसके ऊपर जो है लोग कान इस तरह धर लेते हैं कि उनको पता, उनको यही लगता है कि शायद एक्चुअल चीज़ ही ये है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो कुछ लोग अंधे गूंगे बहरे इस तरह के हैं कि अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो उस पार्टी के अलावा बाकी तमाम पार्टी सियासी पार्टी उनके लिए जहन्नमी हैं। उनके नज़दीक ये है कि बाकी जितने भी पार्टीज हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में है ही नहीं। इसी तरह जो यहाँ पर फ़िरका वारियत में फैले हुए हैं, उनके नज़दीक जो हमारा फ़िरका है वही सच्चा है, वही ईमान पे कामिल है, और वही फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा, बाकी जितने भी फ़िरके वो जहन्नमी हैं। तो बराए मेहरबान इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आपको अपनी चीज़ पसंद है, आपको अपना फ़िरका पसंद है, आपको अपनी पार्टी पसंद है, ठीक है, 100% है, आप अपनी जगह पर रहें, लेकिन दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें जब तक कि आपके पास कोई अथेंटिक न्यूज़ या कोई अथेंटिक जो है वो क्या कहते हैं कि बंदा ना हो जो बताए कि यार ऐसे ही है जो तुम सोच रहे हो, शायद वो गलत चीज़ है। वो अलग बात है कि आप लोग मानेंगे फिर भी नहीं, ठीक है। और जो लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान आर्मी या मिलिट्री आर्मी इस तरह है उस तरह है, तो उनको मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग उनको करीब से देख चुके ना, तो मैं वो ये बात मेरे इस बात को समझेंगे जो भी मैं बात बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है ना कि आपका वहम और गुमान भी नहीं है। लेकिन अगर वो खामोश है तो हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो, उसके पीछे कोई अथेंटिक वजह होगी जिसकी वजह से वो खामोश है, वो देख रही है, ठीक है। उनको पता है कि उन्होंने किस टाइम पे जो है वो कौन सा स्टेप जो है वो उठाना है, और इसी तरह यही चीज़ जो है वो सियासत में भी होती है। तो खैर, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो यही था कि आप लोगों को बता दिया जाए कि भाई इन चीज़ों से थोड़ा सा ना परहेज़ करें। ये चीज़ें वो होती हैं जो आप इन चीज़ों में इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आप अपने
जो सगे होते हैं उन लोगों से आप जो है वो किनारा कशी करने लग जाते हैं। जब जाहिर सी बात है किनारा कशी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जब वो बंदा आपको कोई ऐसी चीज़ बताएगा जो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उस बंदे से दूर हो जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं भाई यार मैं ये इस तरह करूंगा नहीं। वो इस तरह हमारे उस्ताद कहते थे कि बहस ना करो, क्योंकि बहस करने में या आप जीतते हो या वो जीतता है, जो भी जीतता है हारने वाला जो है उसके दिल में उस जीतने वाले के लिए एक बोगस पैदा हो जाता है, जिस वजह से उनके दरमियान में जो है वो फासला ज्यादा हो जाता है। हाँ सामने वाला कहे कि भाई इमरान खान जिंदाबाद, बोले हाँ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, सरदारी जिंदाबाद, अरे भाई वो भी जिंदाबाद है, वो क्या कहते हैं उनका नाम क्या है, मौलाना नाम भूल गया, लेकिन खैर वो भी जिंदाबाद, ठीक है। तो बात ये है कि भाई जान सारे जिंदाबाद है, कोई मुर्दाबाद है, जिस तरह सनी देओल ने अपने वो गदर वन में कहा था कि भी अगर पाकिस्तान जिंदाबाद है इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया मुर्दाबाद हो गया, वो भी जिंदाबाद है, ये भी जिंदाबाद है, सारे जिंदाबाद है भाई जान। लेकिन यहाँ पर मैं यही बोलूंगा कि अपनी कम अकली का मुजाहरा ना करें, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आप दारोमदार ना करें जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ या ऑथेंटिक वे ऑफ न्यूज़ जो है वो ना आ जाए। तो मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है। खैर मैं अपनी वीडियो को जो है ना वो यहाँ पर समराइज करता हूँ। बाकी जो फलस्तीन और इसराइल में हो रहा है, बस दुआ है कि उसमें हम दुआ ही कर सकते हैं, खैर ये कह सकते हैं। हाँ अगर हमें कोई गवर्नमेंट या बैकएंड से कोई ऐसी सपोर्ट होती है कि भाई आओ हम चल रहे हैं फलस्तीन में और हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, तो हम लोग कहते हैं बिजन हम भी आपके साथ जो है वो जा रहे हैं, लेके जाओ आपकी जिम्मेदारी, जैसे मर्जी लेके जाओ, हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा कारवान कोई नहीं बना, तो भाई जान आप दुआएँ करें और दुआ में याद रखें। शुक्रिया।